हाय नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्में। आज हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट फिल्म की। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक, ऐसे सब्सक्राइबर और आप सभी लोग जो शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको सूझता नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि हम शुरुआत कैसे करें, यानी लिखें कैसे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग का ज्ञान नहीं है, स्क्रिप्ट राइटिंग के मेन जो टेक्निकल टर्म्स है वो जानते नहीं हैं, इसलिए वो लिख नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, या अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने जान पहचान के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए अगर आप लिखना चाहते हैं, या आप खुद भी डायरेक्टर हैं तो लिखना चाहते हैं, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको विजुलाइज़ करने की ज़रूरत है, यानी सोचने की ज़रूरत है और मन में पूरी फिल्म को अपने अंदर चलाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो तो आप फिल्म मेकिंग का कोर्स ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, रेगुलर करिए, उसमें आप सीखेंगे, लेकिन जो टेक्निक है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आप किसी शॉर्ट फिल्म के बारे में सोचें तो 5 पॉइंट्स हम आपको देने जा रहे हैं, उन 5 पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखिए। पहला है जॉनर। आप किस जॉनर की फिल्म बना रहे हैं, यानी वो हॉरर है या कॉमेडी है, रोमांटिक है, किस विधा से, किस शैली पर बनी हुई है, ये फिल्म किस शैली में बनाना है, उस चीज़ को आप पहले क्लियर कर लीजिए। आप अगर सोच लिए कि मैं हॉरर बनाऊंगा, तो आप पूरे की पूरी फिल्म को इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसकी शैली हॉरर का होना चाहिए। अगर आप कॉमेडी चाहते हैं, कॉमेडी का होना चाहिए। अगर आप मिक्स चाहते हैं, तो भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमें इस तरह की ही फिल्म बनानी है, लिखनी है। सेकंड आता है प्रोटैगनिस्ट, यानी नायक, यानी फिल्म का मेन करेक्टर कौन है, सेंट्रल करेक्टर कौन है। क्योंकि बिना नायक के वो सेंट्रल करेक्टर जरूरी नहीं कि हीरो हो, अच्छा आदमी हो, बलशाली हो, वही नहीं, जिसके ऊपर पूरी कहानी निर्भर करती है, उस नायक के बारे में आप डिज़ाइन करिए कि वो नायक कौन है, कौन हो सकता है, वो नायक क्यों होगा। नायक का मतलब, फिर से मैं आपको बता दूं, गलतफहमी में मत रहिएगा कि जो पॉजिटिव है वही नायक होता है, ऐसा नहीं, जो सेंट्रल करेक्टर है, जिसके ऊपर पूरी फिल्म आधारित है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, खुद को क्वेश्चन करिए कि इसमें सेंट्रल करेक्टर हम किसको रख रहे हैं। वो हो सकता है सोलो हो, लेकिन कोई भी नायक तभी काम में आता है, तभी उसकी जो छवि है ऊपर होकर आती है, ऊपर उठ के आती है, जब उसके खिलाफ यानी उसके ऑपोजिट कोई प्रतिपेक्षी हो, यानी उसको हम आप एंटागोनिस्ट बोलते हैं, कि एंटागोनिस्ट हो। जरूरी नहीं है कि वो बुरा ही हो, वो आदमी ही हो, वो जानवर हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो मनुष्य हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई प्रकृति का कोई चीज़ हो सकता है, ये हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो। क्योंकि जब नायक है तो वो किससे बात कर रहा है, किस मतलब किसके ऊपर आधारित है, हम शॉर्ट फिल्म की बात कर रहे हैं ये, तो वो उसके विपरीत में जो है उसका परिकल्पना करिए, उसको आप लिख लीजिए कि इसमें ये होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है टोन एंड स्टाइल। देखिए, हर एक की अपनी स्टाइल होती है, बात करने का एक टोन होता है, वो आपको सोचना पड़ेगा कि जो हम करेक्टर दे रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल करेक्टर हो, चाहे ऑपोजिट में जो करेक्टर हो, उसका टोन क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। हम कुछ उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे हो सकता है आगे। और फिफ्थ है पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो पूरी फिल्म है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से ये फिल्म आप लिख रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर कोई खुद की आत्मकथा लिख रहा हो, यानी सेल्फ स्टोरी लिख रहा हो कि मैं वहाँ गया था, फिर मैंने ये देखा, तो वो खुद की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा है, यानी उसको वो चीज़ दिख रहा है जब वो खुद उस जगह पर उपस्थित है। लेकिन वो अगर थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी फिल्म चला रहे हैं तो वो किसी को भी देख सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू जरूर सोच के रखिए कि इस फिल्म को जो हम लिख रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको दिखाना है। ये 5 चीज़ें जब मौजूद रहेंगी तो आप शॉर्ट फिल्म बनाने में आसानी होगा, मतलब आप फिर कोई भी स्टोरी को लेंगे, उसको वीविंग करेंगे, यानी स्टोरी का ताना बना जो बुनेंगे तो आपका आ जाएगा। और जब भी आप ताना बना बुनिए तो आप खुद से क्वेश्चन करिए कि क्या ये करेक्टर, ये डायलॉग या ये लोकेशन या जो भी चीज़ घटना है वो आपके फिल्म के लिए ज़रूरी है, ये क्वेश्चन करिए। कई बार ऐसा होता है कि बेतुकी कई चीज़ें लोग लिख देते हैं शॉर्ट फिल्म के अंदर जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप जान रहे हैं कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी फिल्म का उद्देश्य है, जो हमारा फिल्म का मोटो है, जो लक्ष्य है, उस तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ,
क्योंकि वो बीच में ऐसी कुछ चीजें आ जा रहा है जो दर्शकों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। लोग सोच रहे हैं ये क्या चीज़ है, अच्छा हो सकता है बहुत अच्छा लिखा है आपने, लेकिन आप अपने लक्ष्य से हट रहे हैं। शॉर्ट फिल्म होनी चाहिए। तो अब आपके पास ये सारे जब पॉइंट्स हो जाए, तब आपको जरूरी है, आपको हमने एक पिछले एक वीडियो में मैंने स्टोरी आइडिया के बारे में बताया था कि स्टोरी आइडिया कैसे आते हैं, आप देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो में। अब आइडिया आने के बाद की ये चीज़ें हम बता रहे हैं कि आइडिया आ गया तो आपके पास ये पांचों पॉइंट होने चाहिए, और हर जगह खुद को क्वेश्चन करिए कि क्या इसकी ज़रूरत थी, इस डायलॉग की ज़रूरत थी, ये जो अगर कोई कैरेक्टर एक्स्ट्रा आपने डाला है तो उसकी ज़रूरत थी, अगर नहीं थी उसे निकाल दीजिए। तो आपका जो फिल्म का स्क्रिप्ट होगा बहुत कसा हुआ, बहुत टाइट होगा, और जो शूट करने में, जो देखने में, और जिसको समझने में लोगों को आसानी होगी। आज हम आपको, चलिए एक स्टोरी बताते हैं, हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं बताएंगे, हम आपको एक प्लॉट देते हैं कि कैसे कोई फिल्म का स्टोरी यानी कोई शॉर्ट फिल्म का स्टोरी सोची जाती है और उसको किस ढंग से लिखा जाता है। मैंने फिर बता दिया कि हम इसमें टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं बड़े फिल्मों में या शॉर्ट फिल्म में भी बाहर के लोगों के लिए। जब आपको ये दिखाना है कि आप काबिल के स्क्रिप्ट राइटर हैं तो चलिए सारा चीज़ आप OS, एरियल शॉट, ये सारे शॉट के साथ आप लिखिए। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं तो बिल्कुल मायूस मत होइए, आप बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं अगर आपके दिमाग में कहानी चल रही हो तो। मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ, अभी हम खुद अभी सोच रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भी पहले से कोई बनी बनाई कहानी मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं एक सोच रहा हूँ कि कैसे कम पैसे में, कम संसाधन द्वारा आप एक अच्छी फिल्म बनाते हैं। एक कमरा है, अंदर कैमरा लगा हुआ है और दरवाज़ा खुलता है। घबराया हुआ एक लड़का, रोहित नाम है। अब उसका नाम रोहित क्यों है या रोहित क्यों नहीं, कैसे समझ में आएगा कि उसका नाम रोहित है, ये किसी न किसी डायलॉग्स में हम आपको समझा देंगे। दरवाज़ा खोल के रोहित आता है, घबराया हुआ है कुछ, वो इधर उधर देखता है, फिर सीधे अपने अलमारी के पास पहुंचता है। अलमारी खोलता है, उसमें से एक डॉल निकालता है, एक गुड़िया, जबकि रोहित का एज करीब 25-26 साल है, 24-25 साल है। अकेला है कमरे में, लगता है कि उसके कमरे का जो हिसाब किताब देख के लगता है वो सिंगल है, यानी मैरिड नहीं है। एक डॉल निकालता है, वो डॉल एक लड़की की होती है, खूबसूरत एक डॉल है, बहुत खूबसूरत है। उसको सामने टेबल पर रखता है और अपनी मन की बातें बताने लगता है। उसके साथ जो भी घटना हुआ है आज, उसके बॉस ने उसे डांटा है, बहुत बुरी तरह से उसे डांटा है, वो घटना को बताता है। और उसका एक नाम है, उस डॉल का एक नाम उसने दिया है, मान के चलिए उस डॉल का नाम है जोनाकी। जोनाकी का मतलब मालूम है, जोनाकी एक बंगला वर्ड है जिसका मतलब होता है जुगनू, हमने ऐसे ही नाम रख दिया, कोई आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जोनाकी से बात कर रहा है, पता है जोनाकी, आज फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर था, सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट हुए थे हम, इतना बड़ा नहीं, और इन्होंने ये नहीं देखा कि हम कल रात को 12 बजे तक उनके लिए काम किया, आज सिर्फ 5 मिनट देर आने से नौकरी से निकालने का धमकी दे दिया। तो इस तरह के डायलॉग्स वो बोल रहे हैं, आप डायलॉग्स अपने से लिख सकते हैं कुछ भी। गुड़िया कुछ नहीं, वो सिर्फ देखे जा रही है, देखे जा रही है, क्योंकि वो उसमें तो, वो तो डॉल है। फिर उस डॉल को एक ड्रेसिंग टेबल, उसके सामने एक मिरर रहता है, ड्रेसिंग जिसमें करता है वहाँ पर बैठाता है वो, और उसके साथ फिर कन्वर्सेशन करता है और बोलता है कि एक कुछ भी डायलॉग्स। और ये फिर हम दिखाते हैं कट, ये सेकेंड डे आता है, सेकेंड डे अपने दूसरे चीज़ के बारे में बताता है, उसके फ्रेंड के साथ क्या हुआ, अच्छी चीज़ें बताता है। थर्ड डे आता है, उसने कुछ अच्छा सा चीज़ खाना खा के आया है, उसके बारे में बताता है, उस लेके भी आता है, दिखाता है, देखो ये पिज़्ज़ा मैंने खाया, तुम तो खा नहीं पाओगी लेकिन मैं तुमको दिखा रहा हूँ। तो एक साइको है लेकिन बहुत अच्छा है। वो अपनी बात किसको बोले, जैसे होता है ना, आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास कोई नहीं है तो आप किसी को बताना चाहेंगे। हर लोगों के साथ ये होता है कि वो अकेलापन दूर करने के लिए किसी न किसी का साथ खोजता है, सोचता है कि अच्छा काश वो अगर आदमी मिल जाता या वो लड़की कोई ऐसा मिल जाता जो मेरे बातों को सुनता ध्यान से, तो उसको कोई नहीं मिलता है, वो डॉल को सुनाता है। 3 कट के बाद नेक्स्ट बहुत खुशी खुशी आता है, वो डॉल को बोलता है, जो ना कि पता है आज पहली बार जूही मेरे तरफ प्यार से देखी,
अब उस अपने एक गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं जिसके पीछे काफ़ी दिनों से था। आज से वो लड़की जो है, जो जूही नाम की लड़की है, वो उससे फ्रेंडशिप कर रही है, दोस्ती कर रही है, चैट की। फिर कट, आप जो कट दिखाएंगे वो अकेला आदमी है। सोचिए, नेक्स्ट आता है और दिखाया जाता है डॉल थोड़ा सा उल्टा पड़ा हुआ है, ऐसे, मतलब जैसे करीब, मैंने जैसे करीब से रखा जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ लेटा हुआ है और लेटी हुई है, सॉरी, क्योंकि लड़की है जूना की। और इधर दिखाया जा रहा है कि वो लड़का जो है रोहित, बोलता है कि रोहित को आज बहुत कुछ मिल गया है, ऐसे करके वो अपना नाम बता सकता है, और वो चैटिंग कर रहा है। उधर फिर क्लोजअप दिखाते हैं डॉल का, डॉल उसकी तरफ देख रही है, उसको मैंने ऐसा लगना चाहिए कि डॉल को ये लग रहा है कि वो मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा है। अब एक निर्जीव और एक सजीव के बीच का एक हम इमोशन दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट डे फिर आता है, वो फ़ोन से जूही के साथ बात कर रहा है टहल टहल के, डॉल पड़ा हुआ है और अचानक डॉल की तरफ देखता है, अरे तू उधर देख, तू उधर सुन, मेरी बात मत सुन। अब यहाँ पर डॉल का सिंपल क्लोजअप, लेकिन इमोशन इस तरह से आप क्रिएट करिए कि लगे कि कुछ तो है, उसको जलन हो रही है, डॉल को जलन हो रही है, तो ये एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी बन सकती है। और फिर जब एक दिन वो आता है तो उस समय वो ये देखता है कि डॉल अपनी जगह पर नहीं है और कुछ बताना चाहता है, क्योंकि हो सकता है वो उस दिन उसको प्रपोजल, उसने प्रपोज किया और वो मान गई हो लड़की शादी के लिए, और चारों तरफ से पागलों की तरफ वो खोज रहा है डॉल कहाँ है। अब इसके बाद क्या होता है ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ा अच्छा लग रहा हो कि एक शॉर्ट फिल्म एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर आप बना सकते हैं, उसके बाद वो क्लाइमेक्स ऐसा होना चाहिए कि लोग उस फिल्म को बार बार देखें, तो आपके दिमाग में अगर इसका कोई क्लाइमेक्स चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका क्लाइमेक्स लिखिए। और अगर आप चाहते हो तो इसको अच्छे ढंग से स्क्रिप्टिंग करिए, बढ़िया इसका स्क्रीन प्ले तैयार करिए, और स्क्रीन प्ले में कोई टेक्निकल वर्ड मत लिखिए, सिर्फ दिल से वो चीज़ लिखिए जो आपका दिल कहता है कि नहीं, हम एक निर्जीव और एक सजीव के बीच में भी प्यार हो सकता है, जलन हो सकता है, ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सामने है आपके पेपर, पेन, या डायरेक्ट कंप्यूटर पर, या डायरेक्ट आप अपने मोबाइल पर लिखिए और हमें भेजिए। जिसका क्लाइमेक्स, जिसकी स्क्रिप्टिंग सबसे अच्छी होगी, मैं उसके नाम के साथ उस स्टोरी को हम नेक्स्ट किसी जगह जरूर मैं पढ़ूंगा। और अगर वो चाहें तो उसको फिल्म के रूप में बना सकते हैं, या स्क्रिप्ट अगर अच्छा लगे तो आप लोग, आप जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे हमारे व्यूअर हैं, किसी का भी स्क्रिप्ट अगर अच्छा लगे तो उनके परमिशन से आप उस फिल्म को बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम कभी कभी कोई नई नई स्टोरी लेके, जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं आपको बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा इस तरह की स्टोरी को सोचना, जिसमें बहुत कम पैसे लगे, बहुत कम ढंग से, कम संसाधनों से आप अच्छी फिल्म बनाएं, लोगों को दिखाएं, और लोगों को मजबूर होना पड़े उसको फॉरवर्ड करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए इफ्टा के प्रीमियर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के साथ। समर के मुखर्जी द्वारा साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए इस ऑडियो विजुअल प्रैक्टिकल कोर्स में आप पाएंगे फिल्म मेकिंग की सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज घर बैठे अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैब या फिर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर। 8 सेमेस्टर के इस अनूठे कोर्स में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। इस हिंदी भाषा में बने ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स के जरिए आज देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अपने तरह का सबसे अनोखा और अत्यंत कम फीस का ये फिल्म मेकिंग कोर्स हर उम्र के हिंदी समझने वाले लोगों के लिए एक वरदान है। अभी संपर्क करिए इस नंबर पर या लॉगिन करिए www.iftaindia.in पर।